पिछले हमारे संकल्प पत्र के आधार पर हमने जो काम किया, एक सिलेबस के रूप में हमने जो प्रस्तुत किया था, उसकी अब परीक्षा का समय हमारा आया है, हम परीक्षा देने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से ये जो इस बार का हमारा संकल्प पत्र है, इसकी परीक्षा हमारी अगले 5 साल में होगी। हमारा जो परिणाम निकालना है वो जनता ने निकालना है, फिर भी हम अपनी ओर से अपना संकल्प लेकर के और आगे बढ़ते हैं। शासन की एक कल्पना रहती है कि हम अपने राज्य को कैसे आदर्श राज्य, एक आइडियल स्टेट बनाएं, और आज हम संकल्प पत्र जब जारी कर रहे हैं तो मुझे उसमें से एक प्रेरणादायक बात और ध्यान में आ रही है कि आदर्श राज्य यानी हम राम राज्य की बात करते हैं, और राम राज्य की बात आज का दिन महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म, वाल्मीकि जी को रामायण का प्रणेता मानते हैं, रचयिता मानते हैं, और भगवान राम जी के नाम से राम राज्य की जो बात है, आज के दिन इसकी घोषणा ये बहुत सार्थक मुझे लग रही है। तो इसलिए हम लोग ऐसी कल्पना करते हैं।